आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे वर्ल्ड व्यू टेलीविज़न की तरफ से सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ, और आपने जो थोड़ा सा वक्त निकालकर हमें इंटरव्यू देने के लिए हामी भरी है, उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी इलेक्शंस जनवरी में आपने अनाउंस की हैं। मैंने बिल्कुल नहीं अनाउंस उसकी, इलेक्शन जनवरी में होनी चाहिए कहते हैं, आने वाले जनवरी में, लेकिन इलेक्शंस तो किसी भी वक्त हो सकते हैं, हो सकती हैं, खाली एक लिमिट है, उसके बाद उसके जिसके पहले करना हो। क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप मिड टर्म इलेक्शंस मई में करवा लें? आप देखिए, इस पर हमने सोचा ही नहीं है, तो इसका क्या जवाब दे सकते। हो सकता है मौसम आपको पसंद आए मई का, और हो सकता है आप इलेक्शंस करवाएं, नहीं सोचा। कारण तो नहीं है उसके लिए, लेकिन यू आर फेमस फॉर स्प्रिंगिंग अप मिड टर्म कभी भी इलेक्शंस अभी तक नहीं हुआ। आप मैं पिछले कोई दो हफ्तों से यहाँ वैंकूवर से आई हुई हूँ और देख रही हूँ, अखबारों में पढ़ रही हूँ पंजाब स्थिति के बारे में। आप सारी सरकार भी बहुत चिंतित हैं, लोग बहुत चिंतित हैं, ख़ासतौर पे बाहर वैंकूवर के इलाके में जो हमारे पंजाबी भाई बहन रहते हैं वो भी बहुत चिंतित हैं। पंजाब की असली स्थिति क्या है, उसके बारे में आप अपने शब्दों में कुछ बताइए। स्थिति तो गंभीर है। वहाँ के एक राजनीतिक दल यानी अकाली दल ने कुछ मांगे रखी, कुछ धार्मिक मांगे, वो अधिकांश हमने मान ली जी। कुछ ऐसी थी जो हमें लगा कि हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हमें लगा कि वो समझ गए उस बात को। एक मांग ऐसी थी जो हमसे संबंधित इतनी नहीं थी, और वो दूसरे कुछ राज्य हैं भारत के, वहाँ के और वहाँ के गुरुद्वारों के जैसे अपनी कमिटीज़ या बोर्ड्स हैं जिनका था, तो उसको उस पर हमने कहा कि हमें कुछ ख़ास इतराज़ नहीं है, लेकिन इन सब लोगों से बात करना होगा, स्टेट के क्या नियम हैं और ये सब देखना होगा। उसके बाद कुछ दूसरी मांगे राजनीतिक समझ सकते हैं, या जो भी, पानी पर, ज़मीन पर, अब वो दूसरे राज्यों से संबंधित हैं जो आस पास के पड़ोस के राज्य हैं, तो जब तक वो भी राज़ी नहीं होंगे तब तक हम तो कुछ कह नहीं सकते। दो दफ़े ऐसा एक अवार्ड या निर्णय हम दे चुके हैं, अच्छा। अब वो माना नहीं गया, अच्छा, तो अकेले फिर हम फिर से दें तो उसका कुछ उससे चीज़ सुलझेगी कि नहीं, ये कह नहीं सकते। हमें लगता है कि कुछ इस समय कुछ एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे ज़ोर पकड़ गए हैं, ख़ासतौर से नौजवान कुछ, और जैसे आपने अखबार में देखा होगा वो मोटरसाइकिल पे जाके या किसी तरह से बहुत लोगों की को मार रहे हैं, हत्या हो रही है। हाँ, बाहर के जो थोड़ा उसमें कुछ फंडामेंटलिज्म भी है, क्योंकि हत्या ज़्यादातर सिखों की ही सिख कर रहे हैं, मतलब अकाली लोग। अब जैसे जो एक आज के अखबार में आया या कल शायद आया था कि एक सिख अखबार वाला है, अकाली नहीं है, दूसरी हमारी पार्टी का भी नहीं है, विरोधी दल का है, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे अपने भाई के संग जा रहा था, भाई की दाढ़ी है, तो वहाँ उसको पकड़ा कि तुम गद्दार हो और उसको गोली से मार डाला, हालांकि वो सिख है, वो सिख था। ज़्यादातर हैं, दूसरे भी हैं, जैसे अब हमारे यहाँ तो हरी धर्म में कई सेक्ट्स हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, तो अब निरंकारीज हैं कुछ, वो सिख तो पक्के हैं, लेकिन सिख होने के ऊपर वो उनकी ऐसी एक संस्था है जिसमें दूसरे लोग भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जो हर एक अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन ये लोग संग मिलते हैं, आप उसको कह सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की भावना से, या ये कि मिल के मेडिटेशन करते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जिसमें सब जुड़ सकें, इसके माननी कि अपना धर्म छोड़ा, लेकिन अपना धर्म भी है और उसके ऊपर कुछ चीज़ है जो दूसरों को से मिल के कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम है कि हमारे देश में कोई किसी भी धर्म का हो वो दूसरों का आदर करता है, बिल्कुल करता है, जैसे गुरुद्वारों में बहुत से हिंदू जाते हैं, मुस्लिम्स के दरगाह में भी हिंदू जाते हैं, मुस्लिम्स हिंदू मंदिरों में भी अक्सर जाते हैं, तो इस काफ़ी इन चीज़ों में यहाँ पे एक उदारता सी है, और इस उदारता को देखते हुए हैरानी होती है कि क्यों इस तरह के अब जहाँ इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहाँ ये प्रश्न कभी कभी उठते हैं। हमारी तो यही आशा है कि जो ठीक सोचने वाले हैं और राष्ट्रहित सोचने वाले हैं वो इसके ऊपर उठेंगे और किसी तरह से हम इसको सुलझा सकेंगे।
बाहर रहने वाले जो भारतीय हैं, क्या आपके विचार में इसमें कुछ मदद कर सकते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं जब इस तरह की वो खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनका क्या योगदान हो सकता है? योगदान तो यह है कि तो अफवाहें नहीं माने, क्योंकि वैंकूवर के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन लंदन से कोच आए थे लोग, उनका इतनी गलत बातें फैलाई जा रही थी पंजाब के बारे में जी। और कि वो बहुत ही परेशान थे, लेकिन उन्होंने जब असलियत बताई और ये भी कहा कि आप में से आप अपने तरफ से किसी को भेज के देखिए, तो आए भी वो लोग कुछ, तो यहाँ उन्हें इत्मीनान हुआ और यहाँ से गए। क्योंकि ये बिल्कुल सच नहीं है कि सिखों के खिलाफ या अकालियों के भी खिलाफ कोई भी नाइंसाफ़ी है, ज़ाहिर है, बल्कि उसका उल्टा ही कह सकते हैं, क्योंकि वो औरों से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़े हैं अपने हिम्मत और योग्यता क्षमता से, और ख़ास तौर से इसलिए कि वो मेहनत करने वाले लोग हैं। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ ऊंचे ओहदे, छोटे ओहदे, हर जगह आप पाएंगे उन लोगों को, हर गांव में पाएंगे, हर प्रांत में पाएंगे, तो इसे ये बात कहनी बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ जो उनकी मांगे हैं, वो हमारा कहना ये है कि कोई भी मांग हो उस पर बातचीत हो, लेकिन मार काट या संविधान का अपमान करना या कोई ऐसी बात करना कि राष्ट्र के विरोध में होती है, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से बातचीत लंबी होती चली गई तो ये मारकाट तो होती जाएगी, जिन लोगों को मारा जा रहा है वो तो बिल्कुल इनोसेंट है ना? वो बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन बात लंबी क्या होगी, हम तो कुछ हद तक ही कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए सबको सोचना है कि कितना हो सकता है कितना नहीं। दूसरे लोग मुझसे नाराज़ हैं कि इतना क्यों मान लिया, हरियाणा में भी कुछ हुआ ना, तो उसका एक रिएक्शन हुआ ना, जो पंजाब में पहले हुआ था उसका रिएक्शन, अब उसको बड़ी मुश्किल से थामा है। तो इसे ये भी देखना है कि एक मांग मांगने से अगर और स्थिति बिगड़ती है तो किसी का लाभ नहीं होता है। आप जब दोबारा इलेक्शन के बाद आएंगे ऑफिस में, तो कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिन पे आप ज़्यादा एम्फोसिस देंगी? अब देखिए, पहले तो जो चुनाव का क्या नतीजा होगा ये कोई पहले से कह नहीं सकता है, मान लीजिए आप आ जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी एक बहुत स्पष्ट और साफ नीति है, और वो नीति है कि अपने देश को हम मजबूत बनाएं, इसलिए नहीं कि किसी और को धमकी दें या किसी पर हम हावी होना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि यहाँ के इतने बड़ी समस्याएँ हैं कि उनका समाधान करने के लिए हमें अपनी ताकत ही चाहिए। ये बहुत बड़ा देश है और इतने बड़ी जनसंख्या को कोई बाहर का मदद नहीं कर सकता, कितना भी धनी और बड़ा देश हो, वो हमें नहीं कर, हमें खुद ही अपने पैर पे खड़ा होना है, इसलिए हम ताकत चाहते हैं। अच्छा, अब ताकत कई तरह की, एक तो एक, इसके माने सबको एक होना चाहिए, अनेक धर्म, अनेक भाषाएँ, अनेक प्रांत, जातियाँ। दूसरे ये कि गरीबी हटानी है, क्योंकि गरीबी एक तो वैसे भी दुख और शर्म की बात है, मानवता का प्रश्न है, लेकिन संग संग एक देश को कमज़ोर करने की चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि जो गरीब हैं वो अपनी ताकत या योग्यता देश के सेवा में नहीं डाल सकते। तो मुख्य काम तो हमारा ये है, देश को मजबूत बनाना और गरीबी दूर करनी। असल में तो मजबूत बनाना है ना, क्या जिसमें आज़ादी को हम अपने रख सकें, उसके लिए हमें सांप्रदायिकता भी हटानी है, अंधविश्वास भी हटाना है, गरीबी हटानी है, और गरीबी हटाने के लिए उत्पादन बढ़ाना है, तो और हमारे जो लोग रहते हैं उनको देखना है कि उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे खाना, कपड़ा, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध, ये सब चीज़ें मिलें, तो इसे इस नीति के बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, इसी को हमें करना है, तो साथ साथ, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर दुनिया में कुछ गड़बड़ हो, यानी विश्व युद्ध हो, तो उसका भारी प्रभाव हम पर पड़ेगा, इसलिए हम विश्व शांति, विश्व मैत्री और ख़ास तौर से जो हमारे जैसे विकासशील देश हैं वो मिलके सहयोग करें एक दूसरे से, और हम लोग और दूसरों से भी, मतलब विकसित देश जो हैं उनके संग भी दोस्ती करें। आजकल की दुनिया में कोई लोग अलग नहीं रह सकते, सबको एक दूसरे से कुछ चाहिए और कुछ देने कुछ को देना है, तो इस तरह से हमें, तो जो हमारा आज का नवयुवक वर्ग है उसके लिए आप आने वाले कुछ वर्षों में क्या दिख रही हैं, वो क्या योगदान देंगे, आप
उनको कैसे फोर्सी कर रही हैं अपनी इन पॉलिसीज़ में? अब हम तो आशा ही करते हैं कि वो ठीक रास्ते पे चलेंगे और बनाने के रास्ते पे चलेंगे, तोड़ने के रास्ते पे नहीं। उम्मीद यही है, उम्मीद यही है। और हमारी सौभाग्य है कि भारत की जनता जो है उसका दिल बहुत मजबूत है और सहन शक्ति भी है, और यहाँ बहुत नौजवान हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक बने हैं, इंजीनियर डॉक्टर इत्यादि जो आपके मुल्क और दूसरे देशों में गए हैं जी। तो हम तो चाहते हैं कि वैसे, और वैसे बहुत और हैं यहाँ पे, तो सब लोग मिल के काम करेंगे तो ज़रूर एक नया भारत बन सकेगा, और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ही सुखद भारत होगा। राजीव जी इसमें क्या रोल अदा करेंगे जब आप दोबारा इलेक्शन जीत के आएंगे? अभी तो मुझे क्या मालूम है, वो तो देखेंगे वो क्या करना चाहते हैं। आप उनको कैबिनेट में लाएंगे तो सही। अब देखिए मुझे तो पता ही नहीं मैं कैबिनेट बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, आप तो बहुत आगे कूद रही हैं। एक कदम हमेशा आगे रहना अच्छा रहता है, उससे क्या होता है कि आप प्लान कर सकते हैं अच्छी तरह से। मैं दूरदर्शन के बारे में दो तीन सवाल पूछना चाह रही थी। हम कनाडा में प्रोग्राम जो करते हैं, अक्सर हम चाहते हैं कि भारत की सभ्यता को वहाँ पर हम ज़्यादा प्रकाश कर सकें, हमारे जो बच्चे हैं वो भी उस सभ्यता से कुछ सीख सकें, कुछ जानें। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आपके यहाँ भारत में टेलीविज़न इतना स्ट्रॉन्ग टूल है, उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मैंने कल राष्ट्रपति जी के जो संवाद था उसमें सुना कि जो सैटेलाइट्स हैं उनके ज़रिए 70% लोगों तक प्रोग्राम पहुंचेंगे, लेकिन उन प्रोग्रामों का स्तर ऊंचा करना भी शायद उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बाहर प्रोग्राम को देखते हैं तो कुछ इस तरह के प्रोग्राम नहीं लगते कि उन्हें लेके बाहर दिखाया जा सके। हम कोशिश तो कर रहे हैं उनको सुधारने की, हमारे लिए तो एक नई चीज़ है और है ज़रूर एक बहुत प्रभावशील जी, लेकिन उतना यहाँ इसका प्रभाव नहीं है जितने जैसे अमेरिका में है। क्योंकि अमेरिका में आप कोई भी प्रोग्राम देखिए उसमें हमेशा ये बात होगी वी अमेरिकन्स, वी कैनेडियंस, इस तरह की कोई चीज़। हमारे यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम मैंने देखे नहीं अभी तक कोई भी। नहीं ये सच है, लेकिन देखिए आप उन देशों में जो राष्ट्रीयता की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ कम है, लेकिन ये क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि इतने बरस हो गए लेकिन यहाँ के किसी फिल्म बनाने वाले ने ये सोचा भी नहीं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर फिल्म बनाएं या राष्ट्रीय नेता पे बनाएं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि गांधी फिल्म बाहर वाले ने क्यों बनाया, लेकिन यहाँ वाले ने किसी ने कभी कहा ही नहीं बनाने को। और कुछ थोड़ा बहुत हमने जब कोशिश भी की तो किसी ने ज़रा भी उसमें रुचि या दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका कारण क्या है? अब ये मुझे तो मालूम नहीं, तो फिल्म वालों से आप पूछ सकते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे एक बार फिर से पंजाब के बारे में करना चाहती हूँ। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं, ख़ासतौर पर जब हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो जैसा आपने पहले भी कहा अफवाहें वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, और उन अफवाहों, उनको अफवाहें ले लीजिए या सचमुच वो सही घटनाएं हैं, कि इनमें बाहर के देशों का बहुत बड़ा हाथ है कि भारत की जो एकता है वो टूटे, पंजाब एक अलग प्रांत बने, ताकि जो बाहर के इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो आके भारत को तंग करें या उसकी प्रगति में रोड़ा अटकाएं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, प्रगति में तो कोई रोड़ा शायद नहीं डालना चाहता है, लेकिन ये सच है कि कुछ ऐसे तबके बाहर हैं जो चाहते हैं कि भारत की जो स्वतंत्र नीति है ना उतनी स्वतंत्र न रहे, जो वो लोग चाहते हैं वैसा हम करें, उस रास्ते पे चलें। तो ऐसे लोग तो हमेशा कुछ दखल देते ही रहते हैं। अब पंजाब में कहाँ तक दखल है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये आपने भी देखा होगा कि ऐसे जो कुछ ऐसा मूवमेंट एक चला है आंदोलन, उसके ज़्यादातर दफ्तर और ये सब चीज़ें सब बाहर हैं, बाहर के देशों में, शायद कनाडा में भी है, कुछ यूरोप के दो तीन देशों में है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने बहुत ही बिजी वक्त में से हमारे कुछ चुपते हुए सवालों का भी जवाब दिया। वैंकूवर की सभी जनता की तरफ से, वर्ल्ड व्यू टेलीविज़न की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं कामना करती हूँ कि ये जो आने वाला वर्ष है और बहुत से आने वाले वर्ष भारत के लिए बहुत सुखद वर्ष हों। और आपको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ क्योंकि आपको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेरे तरफ से वैंकूवर के रहने वाले हमारे सब मित्रों को मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया।